हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या है व्हाट्सएप मेटा प्लान और नॉर्मल व्हाट्सएप और बिजनेस व्हाट्सएप में क्या अंतर है, क्योंकि अब देना होगा एक व्हाट्सएप मैसेज के लिए 40 पैसे। तो आइए जानते हैं क्या है व्हाट्सएप मेटा प्लान। व्हाट्सएप दुनिया भर में सबसे ज्यादा यूज होने वाला इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पर 2 अरब एक्टिव यूजर हैं जो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ चैट कर रहे हैं। मेटा ने इस प्लेटफॉर्म को $19 अरब में खरीदा था। उस वक्त भी व्हाट्सएप पॉपुलर था, लेकिन इससे बहुत ज्यादा कमाई नहीं हो रही थी। कंपनी इससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं बना पा रहा है। मार्क जकरबर्ग की कमाई का मुख्य स्रोत एडवर्टाइजमेंट है, जो व्हाट्सएप पर दिखता नहीं। जून 2022 में मार्क ने कहा था कि व्हाट्सएप उनकी कंपनी मेटा का नेक्स्ट चैप्टर है। रिपोर्ट की माने तो मेटा इस प्लेटफॉर्म से पैसे कमाने के लिए एक नया तरीका यूज कर सकती है। कंपनी चैट्स के लिए आधे सेंट से 15 सेंट तक चार्ज कर रही है, यानी कंपनी को 40 पैसे तक का चार्ज चैटिंग पर देना पड़ रहा है। ये चार्ज पूरी तरह से चैट के नेचर और आप किस देश में चैटिंग कर रहे हैं इस पर निर्भर करता है। आसान भाषा में कहें तो व्हाट्सएप पर नॉर्मल चैटिंग के लिए पैसे नहीं देने होंगे, बल्कि इस पर मौजूद बिजनेस अकाउंट को चैटिंग के लिए पैसे देने होंगे। कुछ वक्त पहले ही व्हाट्सएप बिजनेस के लिए कंपनी पेड कन्वर्जेशन मैसेज का फीचर जारी किया है। इसके तहत यूजर को पहले 1000 मैसेज फ्री मिलता है और फिर चार्ज देना होगा। एलेक्स न्यूटन रेक्स ने CNBC से एक इंटरव्यू में बताया कि अगर आप भारत और ब्राजील जाएंगे तो देखेंगे कि कैसे लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल अपने बिजनेस में कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि भारत में व्हाट्सएप का इस्तेमाल उबर राइडर बुक करने से मूवी रिकमेंडेशन तक ही होता है। हालांकि भारत में व्हाट्सएप बिजनेस का पेड वर्जन अभी लॉन्च नहीं हुआ है, तो जैसे ही कोई अपडेट आएगा तो इस चैनल के माध्यम से आप सभी को बता दिया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट जानने के लिए वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय, टेक केयर।